प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यह खबर आप तक पहुंचना जरूरी है। आप जहां वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते हैं, वहीं आपकी पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ऐसा कुछ कर जाती हैं जो आपकी भावनाओं के विपरीत होता है। ताजा मामले में सांसद प्रज्ञा फ्लाइट में सीट के लिए लड़ ली, जिस पर उन्हें अन्य यात्रियों से खरी खरी सुनना पड़ी। यात्रियों ने उन्हें बेशर्म तक कहा। मोदी जी, यह कोई आम व्यक्ति नहीं है, यह है भोपाल से आपकी पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। दिल्ली से भोपाल आते वक्त जहाज को साध्वी ने को भवन बना लिया। जहाज में कुर्सी को लेकर साध्वी का पारा चढ़ गया। जरा सी देर की यात्रा के लिए सांसद प्रज्ञा ने मिशन मोदी की हवा निकाल दी। साध्वी को जहाज में बैठने के लिए मनमाफिक कुर्सी नहीं मिली, यही विवाद का कारण बना। मोदी जी, आप खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन आपके लोग आपकी भावना का मजाक उड़ाते हुए उसे तार तार करते नजर आ रहे हैं। विमान में सीट को लेकर भिड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यात्रियों के साथ बहस का वीडियो सामने आया है, जो सांसद साध्वी प्रज्ञा के अहंकार को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। सोशल मीडिया पर इस बहस का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक महिला कह रही है, आप फैसला लीजिए, आपका मैनेजमेंट कौन है, यहाँ की प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इस पर साध्वी प्रज्ञा जवाब देती हैं, मैंने पहले ही बोल दिया, मुझे अपनी रूल बुक दिखा दो, मुझे बनेगा बैठते तो बैठूंगी, नहीं बनेगा तो मैं चली जाऊंगी। यात्रियों ने भी बीजेपी सांसद प्रज्ञा से कहा, आप कैसी जनसेवक हैं। बात बढ़ी तो यात्रियों ने सांसद प्रज्ञा को बेशर्म तक कहा। पहले देख लीजिए इस वीडियो को, जिसमें सांसद साध्वी प्रज्ञा मोदी और बीजेपी की भावनाओं के विपरीत कुर्सी के लिए बहस कर रही हैं। कोई टाइम की वैल्यू नहीं है किसी के। डिसीजन लीजिए, आप लोग डिसीजन लीजिए, आपका प्लेन है ना ये, नहीं तो आप लोग डिसीजन लीजिए ना। मैनेजमेंट में कौन है आपका, आपका मैनेजमेंट कौन है, सीनियर मैनेजर, तो फिर आप लीजिए ना डिसीजन। कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है यहाँ पे, 1% प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। नहीं तो इनको कुछ करना चाहिए ना, अथॉरिटी तो इनके पास है ना, अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा बैठते नहीं बनेगा मैं चली जाऊंगी, यात्रा करते बनेगा। आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना, आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। एग्जैक्टली, अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट, हम भी क्यों, सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे, जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है तो मैं क्यों जा रही हूँ, कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा राइट क्लास का है। कंपस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे, मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। यू हैव बीन यू है शर्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शर्म बहुत अच्छा वर्ड है। चलो अच्छा, अपने बयानों के कारण कई बार बीजेपी की किरकिरी करवा चुकी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस बार जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। एक यात्री तो बीजेपी सांसद से कह रहा है कि आपको शर्म नहीं है कि आप इस तरह का बर्ताव कर रही हैं। इससे पहले स्पाइस जेट की फ्लाइट में सीट को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की क्रू मेंबर से बहस हुई। सीट की मांग को लेकर वे विमान में ही धरने पर बैठ गई। इस बीच यात्रियों ने विमान में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके व्यवहार की निंदा की। साध्वी प्रज्ञा शनिवार शाम को दिल्ली से स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG2489 से भोपाल आ रही थी। विमान के अंदर उन्हें सीट नंबर 2A दी गई। सांसद चाहती थी कि प्रोटोकॉल के लिहाज से उन्हें सीट नंबर A1 दी जाए, लेकिन यह सीट पहले ही दूसरे यात्री को दी जा चुकी थी। शाम 7 बजे विमान राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। भोपाल के सभी यात्री उतर गए, लेकिन साध्वी नहीं उतरी, ये विमान के अंदर ही धरने पर बैठ गई। स्पाइस जेट के स्टाफ ने भी उनसे नीचे आने का अनुरोध किया, लेकिन वे नहीं आई। बाद में एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम विमान के अंदर पहुंचे और सांसद से धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद संभव है एक बार फिर सांसद प्रज्ञा की मुसीबतें बढ़ जाए। संगीत की स्वर लहरियों से,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।